दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं, असली धनवान तो वह है जिनके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों का मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, प्रेम और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये पांच चीज़ें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय पे बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बूढ़े लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, वह दो कारण देगा, एक मेरी किस्मत खराब थी और दूसरा मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुत्व का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण से अगर सोना बनाना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में भी जलना पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसको
अपने पास बुलाता है, कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो, प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देता है। गुस्से का सीधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है और रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही अलग होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को नहीं बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान को ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही लगता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बन जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टाल दो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर दो। साथ ही रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला करवा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, आप कभी भी अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्या किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में इतनी समस्याएं हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
जय श्री कृष्ण।